3 जनवरी साल 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका रहीं। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी रहीं। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जिस कारण स्कूल जाने पर समाज ने सावित्रीबाई को पत्थर भी मारे। समाज में महिलाओं को हक दिलाना सावित्रीबाई फुले का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा। 3 जनवरी साल 1730 को रानी वेलु नच्चियार का जन्म तमिलनाडु के रामनाथपुरम में हुआ। वह भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ लड़ने वाली पहली वीरांगना थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन का सक्रिय रूप से विरोध किया। रानी वेलु वीर मंगई के नाम से प्रसिद्ध रहीं। वीर मंगई का अर्थ होता है वीर महिला। उन्होंने पहला मानव बम बनाने के साथ साथ दक्षिण में 1700 के अंत तक प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना की स्थापना की। 3 जनवरी साल 2002 को भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक प्रोफेसर सतीश धवन का निधन हुआ। उन्होंने साल 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का स्थान ग्रहण किया। उन्हें भारत में प्रायोगिक तरल गतिकी अनुसंधान के जनक और विक्षोभ व परिसीमा परतों के क्षेत्र के प्रख्यात शोधकर्ताओं में से एक माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित भारतीय उपग्रह प्रमोचन केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में पुनर्नामकरण किया गया।